दोस्तों अक्सर आपने देखा है कि हम जब लिखते हैं तो हम बोल के भी लिख सकते हैं, राइट टू स्पीच हो सकता है। और जो कुछ आपने लिखा है आप चाहते हैं कि कंप्यूटर वो आपको बोल के बताए, वो भी एक्सेल फाइल के अंदर, तो कैसे बनाएंगे हम वो फाइलें? तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु जी के साथ। फ्रेंड्स, मैं लिखे हुए किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। Welcome to Computer Science Guruji. तो देखा, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, My name is Anthony. या फिर नॉर्मली हम कीबोर्ड से एरो से हम यहाँ पे जाएंगे तो भी ये यहाँ पे हमको बोल के बताएगा। आप देख रहे हैं ना, 68, 468, 2378. 2378, Thank you. थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, अब मैं दिखाता हूँ ये प्रोग्राम मैंने एक्सेल में बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं ये मेरे पास ये एक्सेल सीट है, ये कैसे बनाया। मैं यहाँ भी कोई नया प्रोग्राम यहाँ पे लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट इज एक्सेल, और जैसे ही मैं इस पे What is जाऊंगा Excel? फिर से जाता हूँ। What is Excel? चेक कर पा रहे हैं, स्पीक सेल बनाने के लिए यहाँ पे दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हमको अगर टेम्परेरी कुछ समय के लिए चाहिए कि सेल को हमने किसी डाटा से मैच करना है, तो हम एक्सेल फाइल में देखें फिर अपना डाटा देखें, तो क्यों ना एक्सेल फाइल बोलती रहे और हम डाटा मैच करते रहें। और एक होता है परमानेंट, तो दोनों तरीके मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहला हमने ये नाम मैच करने हैं या फिर हमने अमाउंट मैच करनी है। अब मेरे एक एक स्टेप को फॉलो करना। हम एक्सेल ऑप्शन के अंदर जाएंगे दोस्तों यहाँ से, और यहाँ पे मिलेगा आपको लेफ्ट में कस्टमाइज, कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आप देखेंगे आपको मिलेगा कमांड नोट इन द रिबन, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और इसमें नीचे से आप जाके देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे स्पीक सेल के नाम से, ये रहा फंक्शन दोस्तों स्पीक सेल, और इसको ऐड कर लेंगे अपने रिबन के अंदर और ओके कर लेंगे। आप देख रहे हो आपके पास यहाँ पे क्विक एक्सेस के अंदर ये टूल जुड़ गया स्पीक सेल का। तो हमने नॉर्मली क्या करना है, अगर हमको नाम सुनने हैं, नाम मैच करने, तो इनको सेलेक्ट करेंगे और स्पीक सेल के ऊपर चले जाएंगे। मैं नॉट जे, तो अब ये आप देखोगे जे, प्रोडक्ट, हेलियम, ये कंटिन्यू बोलता जा रहा है एक एक आइटम। अगर हमने अमाउंट मैच करनी है तो हम अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे और फिर से स्पीक सेल करेंगे तो आप सुनना 5000, 25000, 10000, 5000, 25000, 12000। तो फ्रेंड्स ये तरीका था, अगर हमने एक बार उसको मैच कराना है, एक बार बोल के सुनना है। अगर बार बार हमको चाहिए कि हम जैसे क्लिक करें या किस माउस से या कीबोर्ड से हम उस सेल पे जाएं तो वो हमेशा परमानेंटली वो वहाँ पे स्पीक या बोल के दिखाए, तो उसके लिए हमको एक VBA प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट करना होगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसके लिए हमको एक VBA कोड लिखना पड़ेगा। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि वो कोड हम कैसे लिखते हैं। हम यहाँ पे प्रेस करेंगे ऑल्ट के साथ F11। यहाँ पे इस फाइल में मैंने पहले ही कोड लिखा हुआ है, मैं आपको एक नई फाइल के अंदर लिखना बताता हूँ। इसको मैं बंद कर देता हूँ, इस फाइल को ही मैं क्लोज कर देता हूँ, Ctrl W, सेव, और एक नई फाइल ले लेते हैं हम। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे Alt F11, और यहाँ आप ऊपर देख रहे हैं लेफ्ट साइड में हमारे पास Sheet 1 जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और व्यू कोड के अंदर हमारे पास एक ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम चुन लेंगे वर्कशीट और यहाँ पे हम कोड लिख देंगे, सिंपल सा कोड है, छोटा सा, नोट करना। हम लिखेंगे application.speech.speak space selection, बस सिर्फ इतना ही लिखना है और हमने इस फाइल को बंद कर देना है। हम सेव कर लेंगे इसको, क्योंकि डायरेक्ट बंद करेंगे तो हमारे पास अगर हम फाइल को दोबारा से ओपन करेंगे कभी भी तो ये कोड नहीं चलेगा। तो हम कैसे इसको सेव करेंगे, अभी इस फाइल को यहाँ से देखो आपको सेव टाइप एज जो दिखाई दे रहा है, इसमें हम ये एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक कर लेंगे, और वर्कबुक का नाम जो हमने डालना है मैं यहाँ पे डालता हूँ हम MMM,
और इसको सेव कर देते हैं और इस कोड को हम बंद कर देंगे। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटर थैंक्स वेलकम, जो भी हमने लिखा है और जिस भी टेक्स्ट के ऊपर हम जाएंगे वेलकम थैंक्स कंप्यूटर। ओके फ्रेंड्स, अब हम इस फाइल को सेव करके क्लोज कर लेते हैं कंट्रोल W, और फिर से हम ओपन करके देखते हैं इस फाइल को। हमने MMM के नाम से सेव करी थी फाइल और चेक करते हैं एक बार हम इसको कॉन्टेंट जो हमारे ऊपर दिखाई दे रहा है सिक्योरिटी वार्निंग, इसको हम इनेबल कॉन्टेंट्स कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब जिस भी टेक्स्ट पे हम जाएंगे कंप्यूटर थैंक्स वेलकम, जब भी इसको आप ओपन करोगे ये फाइल आपको चलेगी। आप किसी भी फाइल के ऊपर ये कोड अप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप नई फाइल के ऊपर बनाए, जो फाइल आपके पास पहले बनी हुई है तो उसके ऊपर भी आप ये कोड लिख के और उसको स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। आशा है दोस्तों हमारा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ऐसा ही आप हमारा हौसला बढ़ाए रखिए, हमारी उम्मीद बनाए रखिए, हमें लाइक कीजिए, हमें शेयर कीजिए, और यदि पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।